हेलो गाइस, आशीष हियर फॉर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि Zenfone के मैक्स M1 में आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फ़ोन फिलहाल जो है एंड्रॉयड 8.1 के साथ आ रहा है, तो कोई भी गेस्चर का सपोर्ट नहीं है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको पुराना ही मेथड यूज़ करना होगा। इसके अलावा मैंने एक एप्लीकेशन रिकमेंड किया जो आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है। आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन, ये आपका पावर बटन है, ये वॉल्यूम डाउन बटन है, इसको आप एक साथ दबाइए और ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप स्क्रीनशॉट को एक्सेस कर सकते हैं अपने क्विक पैनल से, जहाँ पे आप इसको टैप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके फेवरेट एप्लीकेशन में, और आप इसको फिर एडिट कर सकते हैं या शेयर वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो वो पुराना मेथड हो गया, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड 8.1 है तो 3 फिंगर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, जब इसमें एंड्रॉयड पाई आ जाएगा तो आप इसमें 3 फिंगर स्वाइप डाउन गेस्चर का स्क्रीनशॉट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऐप मैंने यहाँ रिकमेंड किया है वो है फूव्यू। तो ये एप्लीकेशन बेसिकली आप इसको ड्रैग करिए, यह प्लस साइन आ जाएगा, उसके बाद आप इसको इस तरह से रेक्टेंगल शेप या जो भी शेप आप करना चाहें उसको कर लीजिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट भी लेके आ गया है, डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन है, फ़ोन मैसेज, जीमेल जो है वो इसके कारण आया क्योंकि ये पार्ट ऑफ द स्क्रीनशॉट है, तो उसको रीड कर पा रहा है, ट्रांसलेट कर सकते हैं, टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। बहुत एडिशनल फंक्शनैलिटी इसमें ऑफर की हुई जो जनरल स्क्रीनशॉट्स में नहीं मिलता है। नीचे जो ऑप्शन है उसमें सर्च, शेयर, कॉपी, सेंड या सेव का ऑप्शन है। इसके अलावा आप जब मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट, फ्लोट आइकन, जेफ, रीनेम, सेटिंग्स वगैरह के भी ऑप्शन है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे एडिट में जाके इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन और भी यहाँ पे टूल सजेस्ट कर रहा है जो आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड करना हो, कुछ बनाना हो, डूडल करना हो या बैकग्राउंड को प्लेन रखना हो, इस तरह के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो फिलहाल मैक्स प्रो M1 में एंड्रॉयड पाई है नहीं, तो आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा वो या तो आपको वॉल्यूम डाउन और बटन यूज़ करना पड़ेगा या फिर कोई भी एक स्क्रीनशॉट का एप्लीकेशन जैसा फ्यूव्यू आप यूज़ कर सकते हैं। जब इसमें एंड्रॉयड पाई आ जाएगा तब आप इसमें 3 फिंगर स्वाइप डाउन का ऑप्शन यूज़ कर सकेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।